कहना है जिस तरीके से भाजपा के उम्मीदवार की जीत हुई है? देखिए, भाजपा ने पूरे संवैधानिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है और हमारी विजय हुई है। जिनको हार से डर लगता था, हार का मोहन देखना चाहते थे, वो आज फिर से भाग खड़े हुए हैं और 115 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। क्या कहना है जिस तरीके से भाजपा के उम्मीदवार की जीत हुई है? देखिए, ये भाजपा के उम्मीदवार की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और जो लोग के लिए विकास के लिए काम करना चाहते हैं उनकी जीत है। और भगोड़ा पार्टी आज आम आदमी पार्टी सीट हो गई है, संविधान के विरुद्ध उन्होंने काम किया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। मिनिमम 58 जो है वो सदस्य चाहिए थे चुनाव करवाने के लिए, लेकिन टोटल 115 सदस्य आए और यूनानिमस सबने 115 के 115 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत लोकतंत्र और दिल्ली की जनता की जीत है। क्या कहना है सर, क्या नाम है आपका? आज ये सिद्ध हो गया है कि ये आम आदमी पार्टी ये किसी संविधान के लिए पार्टी अपने आप में ये आज बड़े रंग की बात है कि 70% चुनाव से भाग गया है। उनके पास नंबर 6 थे, नंबर 6 वो जीत सकते हैं, लेकिन उनको अपना आगाज हो गया था कि आज हमारे पार्षद भी हमारे साथ नहीं है, दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं है, जो अपने कर्मों की वजह से अपने भागे यहाँ से और ये संविधान की जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है। क्या कहना है पवार जी? आज जो संविधान की किताब सर पे लेके घूमते थे उन्होंने संविधान की हत्या करते थे, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह निष्पक्ष चुनाव हुआ, निश्चित तौर पर संविधान की बड़ी ताकत थी। आज श्री सुंदर सिंह जी एक नंबर जीत चुके हैं, उनको बधाई देते हैं और जिन्होंने इसको अंडरस्टैंडिंग किया उनको भी नसीहत देना चाहते हैं। हमेशा लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलती है और मनमानी के कारण से आपको ये मौका मिल जाता है।